जन जन की आवाज़ जीएन भारत में आपका बहुत ही स्वागत है और हम ईडी कार्यालय के बाहर खड़े हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। और अब जो खबरें निकल के सामने आ रही है वो ये है कि दाहू यादव, जो हमने आपको अपडेट दिया था कि दाहू यादव पंकज मिश्रा के करीबी बताए जा रहे हैं, बहुत बड़ी कार्रवाई की है ईडी ने और 30 करोड़ रुपये का जो मालवाहक जहाज था दाहू यादव का, उसको जब्त कर लिया गया है। जी हाँ, ये बहुत बड़ा अपडेट निकल के सामने आ रहा है। और दूसरा अपडेट ये है कि सीएम सोरेन के जो प्रेस सलाहकार है पिंटू, जिनको 1 अगस्त को समन किया गया है और कहा गया है यहाँ आने के लिए, उनके बारे में भी बहुत बड़े खुलासे निकल के सामने आ रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि पंकज मिश्रा ने खुद कबूला है कि सारा काम पिंटू के इशारे पर होता था। जी हाँ, पिंटू जो बोलता था वही होता था। साहिबगंज में जो अवैध खनन है वो पिंटू के इशारे पर होता था और पंकज मिश्रा ने ये कबूला है कि मैं भी बहुत सारे काम उसके इशारे पर भी किया करता था। आपको बताते चले कि साहिबगंज में ईडी की एक टीम मौजूद है और वहाँ पर 2 क्रशर भी, माँ अम्बे जो क्रशर है उनका 2 क्रशर जब्त किए हैं, उसको सील किए हैं। इसके अलावा 3 जो इलीगल तरीके से स्टोन चिप्स लदा हुआ जो ट्रक जा रहा था उसको भी पकड़ा है, इसको भी जब्त किया है। और इसके बाद जिस तरीके से 30 करोड़ का मालवाहक जहाज जो कि दाहू यादव का बताया जा रहा है, उसको जब्त किया गया है, उसको सील किया गया है। ऐसा माना, ईडी का मानना है कि इलीगल तरीके से, अवैध तरीके से वो जहाज स्टोन चिप्स लेकर बांग्लादेश जाता था और इलीगल ट्रेडिंग होती थी उसमें। इस तरह की बातें निकल के सामने आ रही है। और जिस तरीके से जो सीएम हेमंत सोरेन के लेफ्ट और राइट हैंड कहे जाते थे, एक प्रतिनिधि, विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा और एक तरफ प्रेस सलाहकार पिंटू, वो दोनों जिस तरीके से ईडी के शिकंजे में दब चुके हैं, ईडी के शिकंजे में आ चुके हैं। और दोनों जिस तरीके से, पंकज मिश्रा, हमने आपको पहले भी बताया था कि 6 दिन की रिमांड जो है वो बढ़ गई है, तो 6 दिन की रिमांड बढ़ गई है, इस पर और भी खुलासे हर दिन पंकज मिश्रा किए जा रहे हैं, क्योंकि ईडी के पास सबूत इस बार बहुत पुख्ता है। जी हाँ, ईडी अपनी जांच पड़ताल कहीं ना कहीं लगभग पूरी कर चुकी है और ईडी के पास सबूत की कोई कमी नहीं है, कहीं से भी सबूत का कोई ये नहीं नजर आ रहा, अभाव नहीं नजर आ रहा है। तो ईडी अपने तरफ से बहुत श्योर है और जो भी सवाल पूछ रही है उसपे कई सारे जवाब में पंकज मिश्रा जो है वो चुप्पी साधे हुए, उनके पास जवाब ही नहीं आ रहा है। और जो जवाब भी वो दे पा रहे हैं उसमें ईडी साफ तौर पर कह रही है कि हम आपके जवाब से संतुष्ट नहीं है, हम सहमत नहीं है। यानी कोई भी जवाब से पंकज मिश्रा संतुष्ट नहीं कर पा रहे ईडी को। फिलहाल तो 6 दिन के रिमांड बढ़ाई गई है, इसके बाद क्या कुछ होता है वो अपडेट देंगे, लेकिन देखना वाकई में दिलचस्प होगा कि पिंटू के ऊपर खुलासे पंकज मिश्रा ने किए हैं कि उनके इशारे पर साहिबगंज में अवैध खनन चलता था और ये सारी चीज़ें होती थी, उस पर जब 1 अगस्त को यहाँ पर हाजिर होंगे तब ईडी का क्या रवैया रहेगा पिंटू को और पिंटू कैसे इन सारे सवालों को फेस करते हैं, देखना बहुत दिलचस्प होगा। अपडेट के लिए बने रहे जीएन भारत के साथ, धन्यवाद। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।